Hey guys, my name is Ayaz. Welcome back to the channel. How are you doing all? I am doing great. ये वीडियो दो हफ्ते पहले बनना चाहिए था लेकिन काफी लेट हो गया. But anyways, without doing any bold bachchan, let's start with the video. All right. So आप में से काफी लोगों को पता होगा. I recently went for a trek in Nasik for Harihar. अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो यू कैन वॉच इट राइट हियर. सो दिस वीडियो इज अबाउट माई न्यू ड्यूक 250. वॉट एग्जैक्टली हैपन विथ माई बाइक वाइल आई वॉज ट्रैवलिंग टू नासिक. आई विल जस्ट टेल यू ऑल, बट फॉर दैट यू विल हैव टू गो बैक. सो जस्ट गो एंड वॉच वॉट एग्जैक्टली हैपन देयर. हे गाइस, सो वी हैव जस्ट स्टॉप इन बिटवीन समवेयर ऑन द पुणे नासिक हाईवे. द रीजन इज वेरी सैड एक्चुअली. आई विल जस्ट शो यू. दिस इज द हेडलाइट ऑफ माई बाइक. तो यहाँ पे ये जो है एक कनेक्ट करता है वो टूट गया है. सो वी वर ऑन द हाईवे एंड वी वर ऑन द स्पीड ऑफ अराउंड 70 to 80. और सडनली हाईवे के बीच में, यू वोंट बिलीव, हाईवे के बीच में बहुत ही बड़ा स्पीड ब्रेकर. एंड जब तक मैं उसको देखता, इट वॉज टू लेट टू ब्रेक. इट वॉज एट दिस मोमेंट ही न्यू ही फक्ड अप. So I had to go over it and बहुत ही जोर से बम पड़ा. मैं तुरंत बाइक रोका और देखा तो ओके. सो देखा आपने क्या हुआ था. अंधेरा था तो आप लोगों को ज़्यादा पता नहीं चला होगा, बट डोंट वरी, मेरे पास डेमो है आपको दिखाने के लिए. सो लेट्स चेंज द फ्रेम और आपको मैं दिखाता हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या. सो दिस इज द ओल्ड हेडलाइट गाइज. आई होप यू कैन हियर मी. सो लेट मी जस्ट टेल यू क्या हुआ था. आपको लग रहा होगा कि ये तो पूरी ठीक है, कुछ हुआ नहीं है, क्या प्रॉब्लम था. सो बहुत ही छोटा प्रॉब्लम था एक्चुअली, जिसकी वजह से मुझे पूरी की पूरी हेडलाइट चेंज करनी पड़ी. सो यू सी दैट राइट हियर, दिस थिंग, ये इस चीज़ से अटैच होता है, कुछ ऐसा होता है ये. और इसके अंदर जो है एक बोल्ट जाता है जो आपके बाइक के चैसी को कनेक्ट होता है. सो व्हाट हैपेंड व्हेन वी वर ट्रैवलिंग, जैसे मैंने आपको बताया वीडियो में कि बहुत ज़ोर से गाड़ी बम्प हुई और ये यहाँ से जो है क्रैक हो गया और ये वहीं पे था. सो KTM शोरूम गया था मैं, तो उन्होंने बोला कि वी कैन गो हेड एंड फिक्स दिस, वी कैन, इसको वो चिपका के देने वाले थे. और ये नई बाइक थी, एक महीना भी नहीं हुआ था बाइक को. तो आई सेड आई विल गो हेड एंड रिप्लेस इट. सो लेट्स चेंज द फ्रेम अगेन. सो या, एज यू सॉ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद द हेडलाइट. सो आई हैड टू टेक इट टू KTM शोरूम. मैंने वहाँ पे प्रॉपर व्लॉग नहीं किया, थोड़ा मैंने शूट किया. सो फाइनली वी गॉट इट फिक्स्ड. आप बस वो थोड़े से फुटेजेस देख लो जो मैंने शोरूम में कैप्चर किया है, एंड देन आई टॉक टू यू गाइस. KTM was very helpful and you must be wondering ki kitna cost aaya. So it costed me 3593 rupees with the service charges for the complete headlight assembly. Just wanted to give you guys an update that in coming weeks I'm traveling to many beautiful cities in India in north. I'm so excited for that and I have also invested more just for that particular trip. Let me show you one of the things that I have purchased. So this is one of the things that I have purchased for my next trip, which is the Jubi Gorilla Pod 3K kit from Photo Center. Thumbs up to them. मैंने Saturday को order किया था and they delivered it by Sunday. Just छोटा सा overview देता हूँ. एक में just open it, मैंने already unbox कर लिया था, but आप लोगों के लिए वापस एक बार. तो आपको अंदर ये मिल जाएगा जो कुछ काम का नहीं है. The actual main thing is this. देख के प्यारा था. इसके ऊपर ये जो color combination है ना, ये सबसे ज़्यादा favorite है मेरा. बिकॉज ये रेड एंड ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है एंड इट फील सो स्टर्डी. मेरा जो पुराना वाला ट्राईपॉड था, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको. सो दिस वॉज माई ओल्ड ट्राईपॉड विच आई वॉज यूजिंग फॉर आई थिंक सिंस लास्ट वन ईयर आई एम यूजिंग दिस. ये कुछ 600 रुपये का था, अच्छा चला है, बट इसके जो लेग्स है काफ़ी लूज हो चुके हैं और इसका ये जो बॉल हेड है वो भी बहुत ज़्यादा अभी टाइट हो चुका है, वो मूव नहीं होता ठीक से. सो आई हैड टू गेट वन. एंड आई थॉट कि अभी वापस से कोई एक चीप लेने से अच्छा एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करते जो आगे के लिए भी काम आएगा. एक इसका छोटा सा बीरोल देख लो और उसके बाद ये ब्लॉग एंड करते हैं.
it, guys. This was just a kind of update vlog. And bike के बारे में बताना था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं. But आगे वाले जो videos होंगे, जो first video इसके बाद जो आएगा, वो amazing होने वाला है. So stay tuned. If you haven't subscribed, subscribe to the channel. And thank you so much for watching this vlog. If you have enjoyed it, please give it a like. That's it, guys. Thank you so much for watching this video. I'll see you in the next one. Till the time, enjoy life.